नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। लैंड स्कैम, निलंबित आईएएस छवि रंजन पर अब नामकुम के भूखंड फर्जीवाड़ा का आरोप। 9.3 एकड़ खास महल की जमीन का है मामला। ईडी ने छवि के जमीन संबंधित अन्य निर्णयों की भी जांच शुरू की। रांची में हुए जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की परेशानी अभी कम नहीं होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय अब नामकुम अंचल के पुगड़ू मौजा में खास महल प्रकृति की 9.3 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री की जांच करेगी। इस मामले में भी छवि रंजन पर आरोप लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने इस जमीन की खरीद बिक्री गलत बताते हुए तत्कालीन एलआरडीसी और सब रजिस्ट्रार को शो कॉज करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा सरकार से की थी। जब खास महल भूमि की अवैध खरीद बिक्री को आधार बनाते हुए उक्त रजिस्टर डीड को रद्द करने का केस डीसी कोर्ट में किया गया तो डीसी छवि रंजन ने केस खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब इस मामले की भी जांच करेगी। इसके अलावा छवि रंजन के डीसी रहते हुए जमीन मामले में दिए गए बड़े निर्णयों की भी जाँच होगी। प्रतिबंधित है खास महल जमीन की खरीद बिक्री। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जब्त जमीन खास महल सूची में दर्ज की गई। इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास होता है। 1960 से 1980 के बीच सरकार ने हजारों लोगों को जीविकोपार्जन व शैक्षणिक संस्थाओं को लीज पर खास महल की जमीन दी थी। इस प्रकृति की जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक जमीन घोटाले में गिरफ्तार लोगों ने ईडी की पूछताछ में कहा है कि डीसी रहते छवि रंजन ने कई खाते प्लॉट की जमीन प्रतिबंधित सूची से बाहर करने की अनुमति दी। बदले में मोटी रकम की वसूली की गई।